इस हेतल काकी का इस पूरे मामले से क्या लेना देना है? इसका पता तो तुझे लगाना ही पड़ेगा कबीर यादव, पर कैसे? केसर, बापूजी के बुढ़ापे के सहारे को खुद सहारे की जरूरत पड़ रही है। पर तुम ऐसी कौन से गहरी सोच में डूब गए थे कि तुम्हें गिरने का भी ख्याल नहीं रहा? केसर, हमने कल ऑफिस के अकाउंट्स फिर से चेक किए थे और हमें क्या पता चला? क्या? कि ऑफिस के अकाउंट से केवल सूरज ने ही नहीं, किसी और ने भी पैसे निकलवाए थे। किसने? सूरज के गायब होने के 2 दिन बाद हेतल काकी ने, पूरे 10 लाख। 10 लाख? क्यों? क्यों? यही तो सवाल है केसर, क्यों? हमें क्या लगता है कि ये क्यों ही हमें पूरे मामले की जड़ तक लेकर जाएगा? जिसे हम दोनों ढूंढ रहे हैं ना केसर, उसका सबूत इस क्यों के जवाब में छिपा है। तो अब तक हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन है? सूरज के गायब होने के बाद उन्होंने कंपनी के अकाउंट से 20 लाख रुपए विड्रॉ किए और हेतल काकी ने 10 लाख रुपए। फिर सूरज ने कैश यूज करके 5 अनोनिमस सिम कार्ड्स खरीदे, जिसमें से एक सिम कार्ड से उन्होंने एक मैसेज भेजा और उस सिम कार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, और दूसरे सिम कार्ड से वापस उसी नंबर को एक मैसेज भेजा, और उस नंबर के लास्ट के डिजिट्स हेतल काकी के फोन नंबर से मिलते जुलते हैं। मतलब ये सब कड़ियाँ कहीं ना कहीं तो जुड़ रही है। इसका मतलब ये है कि सर, कि सूरज ने ही वो मैसेज हेतल काकी को भेजे थे। अब अगर हम दोनों को ये सच जानना है तो ये सच तो हेतल काकी के मुंह से निकलवाना पड़ेगा, या फिर हेतल काकी के फोन कॉल रिकॉर्ड्स चेक करके। मुझे लगता है जैसे ही हमारे पास पक्का सबूत आएगा, हेतल काकी हमारी मुट्ठी में होगी और फिर उनके जरिए हम सूरज तक पहुंच जाएंगे और फिर उनका सच सारी दुनिया के सामने बेनकाब कर देंगे। बात तमें अंबिका बहू, तेरे बापूजी ने भगवान सत्यनारायण की पूजा की बात की थी ना, तो हम सोच रहे हैं कि कबीर की घर वापसी की पूजा भी एक साथ ही कर लें। एक पोता तो खो ही दिया, अब इस घर को कबीर की जरूरत है, इस घर को एक सहारे की जरूरत है। नई पीढ़ी में सबसे बड़ा बेटा कबीर ही तो है, लेकिन इस पूजा में कबीर की माँ की सारी रस्में तुझे करनी होंगी। बस यही बात करनी थी तुझसे। हम तुझ पर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं, अगर तू पूजा के लिए तैयार हो तो ही हम ये पूजा करेंगे, वरना केवल भगवान सत्यनारायण की पूजा होगी बस। आप बाहर मत जाइए, आपके कदम घर की चौखट पर लड़खड़ा है, आपके लिए बाहर जाना ठीक नहीं होगा। काकी, हमने पूरे जीवन में कोई भी नया काम आपके आशीर्वाद के बिना नहीं किया, मन में ही सही, पर आप हमें आशीर्वाद जरूर दीजिए। मैं रस्में करने के लिए तैयार हूँ बा, भले ही कभी मेरा बेटा नहीं है, पर इस घर का बेटा तो है वो, और इस घर के लिए मैंने क्या नहीं किया। हे अंबिमा, जल्द से जल्द अंबिका बहू के मन में कबीर के लिए प्यार भर दीजिए, हमारे परिवार को फिर से जोड़ दीजिए, हम सब पर कृपा कीजिए अंबिमा। तुमने हमारे ओरिजिनल प्लान को फॉलो नहीं किया और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आई एम कमिंग फॉर यू। कौन है जिसे इतना कुछ पता चल गया? किसको क्या पता चल गया काकी? तुम दोनों यहां? तुम लोग मेरे कमरे के बाहर मेरी जासूसी कर रहे थे? जासूसी तो हम कर चुके हैं ऑफिस में, अभी पूरी तैयारी के साथ आए। जासूसी?
कैसी जासूसी? जो करना है ना कहीं और जाकर करो, समझ में आई बात? और मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे की तुम दोनों ने? निकलो अभी के अभी, निकलो यहाँ से। ये तल काकी, हम जितना पूछ रहे हैं उतना बता दीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपको निकलना पड़े इस घर से, वो भी दोबारा। आपने कंपनी के अकाउंट से 10 लाख रुपए क्यों निकाले थे हेतल का? 10 लाख रुपए? हाँ वही 10 लाख, क्यों निकाले थे बताइए, क्यों निकाले थे? किसी भी काम के लिए निकाले, तुझे उससे क्या? ऐसा कौन सा काम था जिसके लिए आपको 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई तिलका की? बताइए ना प्लीज। बैंक वालों ने इन्हें बता कैसे दिया कि पैसे मैंने निकाले हैं? अब क्या करूं? हे अंबे माँ, कैसे निकलूं इस मुश्किल से? ठीक, बहुत शौक है ना तुझे सच जानने का, आज बताती हूं मैं तुझे सच, चल मेरे साथ चल। काकी बीच में मत आना कबीर, मेरे रास्ते से हट। इधर काकी हाथ छोड़िए पहले, आज मैं तुझे सच बताए बिना कहीं नहीं जाने दूंगी, तू देख अब। चल मेरे साथ चल बाहर, हाथ छोड़िए चल। काकी कभी सोचा भी नहीं था कि इस परिवार में ये दिन देखना पड़ेगा। बाप, अंबिका भाभी, बापूजी जल्दी आइए। क्या हुआ हेतल? ये देखिए, अब इन छोटों को मुझे हिसाब देना पड़ेगा, बिल दिखाना पड़ेगा। बापूजी, इससे अच्छा है कि आप ना हमें इस घर से ही निकाल दें। अरे लेकिन ये तो बताओ कि बात क्या है, ऐसे शोर क्यों मचा रही हो? मैं शोर ना मचाऊं तो और क्या करूं बापूजी? ये बेइज्जती का ये जहर चुपचाप पी लूं, अपने बड़ों से कुछ ना बताऊं? इतल बहू क्या हुआ, पूरी बात बता, हुआ क्या है? मैं क्या बताऊं, कितनी शर्म की बात, इस घर के बड़ों ने भी कभी ऐसा सलूक नहीं किया मेरे साथ जो इस लड़की ने किया है। अरे ये मुझसे पूछ रही है कि पैसे कहां खर्च कर दिए। बापूजी बा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बात क्या है? कैसा, कौन बताएगा कि बात क्या है? हम बताते हैं। वो कंपनी के अकाउंट से 10 लाख रुपए कैश निकाले गए और वो हेतल काकी ने निकाले। 10 लाख? बापूजी, कबीर ने अभी अभी बिजनेस हैंडल करना शुरू किया, वो हिसाब किताब रख रहा था और जब हमने देखा हेतल काकी को इतने बड़े रकम की कैश में जरूरत पड़ी है तो सब ठीक है या नहीं ये पूछना हमारा फर्ज बनता है। देखा देखा बापूजी, अरे आपके सामने भी यही कह रहे हैं कि पैसे कहाँ चले गए। इस राजगौर खानदान में बस यही इज्जत रह गई है मेरी और कुछ नहीं। तो बहू लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें 10 लाख कैश की जरूरत क्यों पड़ी? बापूजी आप भी देखो हेतल, वो मैं हिसाब नहीं मांग रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमें तुम्हारी फिक्र है, लेकिन ये तो बताओ कि अचानक 10 लाख कैश की जरूरत क्यों पड़ी तुम्हें? ठीक है बताती हूँ। आप तो मेरे ताऊजी को जानते हैं ना बापूजी, उनके बेटे की किडनी की सर्जरी होनी थी, उसमें 10 लाख रुपए कम पड़ रहे थे तो मैंने अकाउंट से, कंपनी के अकाउंट से पैसे निकाल कर उन्हें दे दिए। और उस वक्त हम सभी घर वाले सूरज के जाने का शोक मना रहे थे, अंबिका भाभी की भी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं इनसे उस बारे में कुछ भी पूछूं, कुछ भी कहूं। और पैसे देने में देरी कर देती तो मेरे भाई का ऑपरेशन नहीं हो पाता और वो, इसलिए
मैंने किसी से कुछ पूछा नहीं, कुछ बताया नहीं और खुद से पैसे निकाल कर दे दिए। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगली बार एक पैसा भी निकालूंगी तो सबसे पूछ कर निकालूंगी। अगर आप लोगों को मेरी बात पर अब भी विश्वास नहीं है ना तो मैं मेरे मायके वालों से आपकी बात करवा देती हूँ। लेकिन ऐसा करने से भी तो मेरे हाथ रुक रहे हैं ना। खुद सोचिए कि मेरे मायके वाले तो यही सोचेंगे कि इतना बड़ा राजकौर खानदान और अपनी बहू से एक छोटी मदद के लिए हिसाब किताब पूछा जा रहा है। क्या इज्जत रह जाएगी बाबूजी हमारे राजकौर खानदान की, हमारे परिवार की? आप बताइए मैंने क्या गलत किया? हेतल, जरूरत के समय परिवार से पूछने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें अपने मायके में फोन करके पूछने की कोई जरूरत है। हाँ हेतल, वो अंबिका वो ठीक कह रही है। अगर हालात नाजुक हो और किसी की मदद करनी हो तो पैसे निकाल कर देने ही चाहिए। और केसर, हेतल बहू की इसमें कोई गलती नहीं। तुम दोनों को ऐसे अपनी हेतल काकी से पूछताछ नहीं करनी चाहिए थी। एक बार फिर नाटक करके सबकी सहानुभूति बटोर ली इन्होंने, लेकिन इस समय पूरे परिवार के सामने बात को बढ़ाना ठीक नहीं है। खुद साबित नहीं होने देंगी, उल्टा और चौकन्नी हो जाएगी। बापूजी, हेतल काकी, I'm sorry। तुमसे गलती हुई हेतल काकी, हो सके तो हमें माफ कर देना। अगली बार कोई भी गलती करने से पहले 10 बार सोचोगे जरूर तुम दोनों। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे अंश को बताना पड़ेगा ये सब। पा, 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 ना तू अपना तू मेरे दिल का ये छोटा मोटा हक मार के, गलती से गलती की कभी पीछे पीछे आया फिर छक मार के। हेलो बेबी, अच्छा हुआ तुमने आज सुबह सुबह मुझे जल्दी बुला लिया। यू नो, मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। अंश, मुझे भी तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। हाँ, वाओ, सेम पेज। अच्छा ठीक है, तो पहले तुम बताओ। नहीं, पहले तुम बताओ क्योंकि तुम ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो। ओके, तो बात ये है कि बहुत हुआ इंतजार, अब जीतेगा हमारा प्यार। तो मैंने डिसाइड किया है कि आज जाके मैं घर वालों को और मेरी माँ को हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दूंगा। क्या? हाँ आरती, अब मैं ना तुमसे और दूर नहीं रह सकता। यू नो, मैंने सब डिसाइड कर लिया, सब कुछ प्लान कर लिया। शादी के बाद हम दोनों तुरंत घूमने निकल जाएंगे और मैं तुम्हारे कंधे पर सर रखकर पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। फिर चाहे वो बहामास के बीचेस हो या यूरोप की हेरिटेज साइट या फिर नॉर्वे के आसमान में दिखती हुई नॉर्दर्न लाइट, मैं सब कुछ तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ आरती। यू नो, हम दोनों घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, खाएंगे पिएंगे, एडवेंचर स्पोर्ट्स करेंगे और क्या। शादी के बाद ना एकदम ड्रीम लाइफ, परफेक्ट लाइफ जिएंगे हम दोनों। मैं बस यही चाहती हूँ आरती कि तू आज से, अभी से मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। क्या हुआ, कहाँ खो गई? इस प्लान में कुछ और ऐड करना है तो बताओ, वो भी कर लेते हैं। बच्चे? हाँ, बच्चे? कौन से बच्चे? हमारे बच्चे अंश। अरे आरती, अभी तो मैं खुद ही एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा बच्चा हूँ, इतनी जल्दी नहीं। और वैसे भी मैंने अभी बच्चों के बारे में सोचा भी नहीं आरती। और हम दोनों अपने आप में ही कंप्लीट हैं यार, वी डोंट नीड अ किड टू कंप्लीट अस, यू नो। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे कभी नहीं, लेकिन अभी नहीं। हाँ, अभी तो नहीं। क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? तुम कुछ बताने वाली थी ना? नहीं। अरे तुमने तो बोला कि तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना था मुझे, टेल मी। मैं भी बस यही पूछने वाली थी कि तुम्हारा शादी के बाद का क्या प्लान है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, बस यही सब। तो प्लान सही है ना?
इसे इस बच्चे के बारे में बताओ भी तो कैसे? इसकी लाइफ में तो अभी बच्चे के लिए कोई जगह ही नहीं है। बस बहुत हो गए ये पर्दे के पीछे के खेल। अब अपने ही घर में घुसकर वार करने का टाइम आ गया है। प्रतीक कहाँ गया? Princess doesn't need to bow down. किसी ने सही कहा कि सर, कुत्ते की दुम को चाहे जितनी सीधी कर लो पर वो कभी सीधी नहीं होती, हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। मतलब कितनी चालाकी से उन्होंने सब लोगों को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया जबकि सारे सबूत उनके खिलाफ थे। ऑफिस के अकाउंट से 10 लाख रुपए कैश उन्होंने निकलवाए और हंगामा करके सारी पूछताछ से वो बच गई। ऊपर से हम दोनों को उनसे माफी मांगनी पड़ी, वो अलग। मतलब इतनी शातिर औरत मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी केसर। कबीर, अपना हेतल काकी को पता चल गया कि हम उनके पीछे लगे हैं, इसलिए अब हमें और भी सावधान रहना होगा। एक गलत कदम और अंजाम वही होगा जो आज हुआ। वो हमें सबके सामने नीचा दिखाने का, बेइज्जत करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देगी। अभी तो बस शुरुआत है केसर, देखती जा मैं तुम दोनों की क्या हालत करती हूँ। मुझे निकालेगी घर से अगर मैंने भी तुम दोनों के नाग राजकौर निवास के फर्श पर ना रगड़वा दी तो मेरा भी नाम हेतल बेन राजकौर नहीं। कबीर, तुमने वो आवाज सुनी? आवाज? कौन सी आवाज? हमने तो कोई आवाज नहीं सुनी किसी। फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ कबीर, इस वक्त थोड़ी सी भी लापरवाही हमें बहुत महंगी पड़ सकती है। मैं देख कर आती हूँ। केसर, केसर तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं है तुम्हें कहीं? समय कितना बलवान होता है ना कबीर, इंसान की ऐसी बुद्धि फेर देता है कि उसे अपने चाहने वालों की बात भी समझ नहीं आती। मैंने सूरज की हर गलती, हर कमी को स्वीकार लिया था, पूरे दिल से उन्हें जानने की कोशिश की थी और उन्हें जानते जानते मुझे उनसे प्यार भी हो गया था। लेकिन धीरे धीरे उनका ढोंग का कच्चा चिट्टा खुलता चला गया। उन्होंने दिखावा तो प्यार का किया था पर निभाई सिर्फ नफरत। उनका हर इमोशन, हर प्रॉमिस एक सफेद झूठ था। और तब मुझे एहसास हुआ कि उनसे प्यार करके
आपसे शादी करके मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली है। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती कभी। अब जो बीत गया सो बीत गया के सर, बीती हुई बात पर पछताने से क्या फायदा। हाँ बस हम भी माँ का शुक्र मनाओ तुम कि तुम्हारी सही समय पर आंखें खुल गई। बस हाँ कबीर, मुझे एहसास हो गया कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। क्या लगा था सिर्फ सॉरी बोलकर निकल जाओगे? तुम दोनों हेतल राज कौर से भिड़ने चले थे, सजा तो मिलेगी बेटा, बहुत बड़ी सजा मिलेगी। कल सुबह तुम्हें दिखाऊंगी तुम्हारी औकात, जब कल सबके सामने फटेगा ये वीडियो बॉम्ब।